लखनऊ जेपीएनआईसी के गेट पर एलडीए ने लगाया ताला, फान कर अंदर गए अखिलेश यादव। बताया जा रहा है कि एलडीए ने देर शाम ही गेट पर ताला डाल दिया था कि गेट फान कर कोई अंदर ना जाने पाए। इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई। एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण सेंटर में माल्यार्पण करने की अनुमति नहीं दी। यूपी की राजधानी लखनऊ के जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मौके पर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव मौजूद रहे। दरअसल आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर जाने नहीं दिया गया। ऐसे में जेपीएनआईसी का गेट बंद होने पर अखिलेश यादव गेट फान कर दाखिल हो गए और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बताया जा रहा है कि एलडीए ने देर शाम ही गेट पर ताला डाल दिया था, गेट फान कर कोई न जाने पाए। इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई थी। एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश यादव को जेपी नारायण सेंटर के अंदर प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। वहीं जेपीएनआईसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इस बीच मौके पर अखिलेश यादव पहुंचे और गेट फान कर सेंटर के अंदर चले गए। अफरा तफरी के माहौल के बीच लखनऊ का सियासी पारा हाई हो गया। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने ट्विटर पर लिखा कि भाजपा सरकार द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनके नाम पर बने जेपीएनआईसी पर ताला लगाना अत्यंत निंदनीय है। पहले भी इस नकारा सरकार ने लखनऊ में बने जेपीएनआईसी जैसे विकास कार्यों को बर्बाद किया है और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण ना करने देना महापुरुषों के विरुद्ध विचारधारा को बेहद शर्मनाक दर्शाता है। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने इस दौरान किस तरह से माल्यार्पण किया और क्या कुछ मौजूदा सरकार पर तंज भी कसा। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर एलडीए ने लगाया ताला, फान कर अंदर गए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। बताया जा रहा है कि एलडीए ने देर शाम ही गेट पर ताला डाल दिया, गेट फान कर कोई न जा पाए। इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई। एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी में जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। यूपी की राजधानी लखनऊ के जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मौके पर खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव मौजूद रहे। दरअसल आज लोक नायक जयप्रकाश जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में हाथ देते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीने लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहां रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है।
कौन रोक रहा था? इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं, जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते? न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की, कि हाँ जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। हाँ, मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझने हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। पत्रकार साथी, उसमें तो आप में से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन में जुड़े थे। ये 24 तक जाएगा और 27 तक परिवर्तन करेगा और एक लंबी लड़ाई में, शुरुआत कहीं तो होगी, एक लंबी लड़ाई में जो 140 करोड़ का देश है, एक लंबी लड़ाई है। अगर हम दुनिया के पैमाने पे देखें, हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारे यहाँ आपके स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ है, बेरोजगारी चरम सीमा पर। तो ये इतने बड़े देश के लिए अगर आज सोचेंगे तो मैं समझता हूँ, अगर सपना देखेंगे सब लोग।